मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक होम रेमेडी, और होम रेमेडी एलोवेरा जल से मैं बनाऊंगी। और ये बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप ये रेमेडी जरूर से ट्राई करना और जरूर से मुझे कॉमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जाने वाली है, सिर्फ तीन चीजें इसमें जाएंगी। और आप जब इसको यूज करोगे ना, इसका जो ग्लो है ना, वो बहुत ही मस्त आने वाला है। और जो ये रेमेडी है, इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत थोड़ी सी चीजें लगेंगी। सिर्फ आपको इस रेमेडी को बनाना है और इसको अप्लाई करना है। आप खुद महसूस करोगे ये रेमेडी कितनी बेहतरीन है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस रेमेडी में क्या क्या जाएगा, कैसे ये यूज करनी है, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आप छोड़ दोगे। और कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। तो वीडियो काइंडली अच्छे से पूरा देखना और चीजों को समझना, समझ के रेमेडी यूज करो आप। तो चलिए मैं बताती हूँ एलोवेरा की बहुत ही मस्त वाली रेमेडी। इस रेमेडी में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो आपके पास फ्रेश है, आपके पास पौधा है, आप उससे ले सकते हो। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मार्केट से बाय करके वो ले सकते हो। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई जेल लेना है, ठीक है। अब ये जो है, ये बेसन है, ये जाएगा इसमें। और ये है कच्चा दूध। आप कच्चा दूध लोगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो डबल मिलेंगे आपको। और लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि कच्चा दूध ही आप इसमें यूज करो। तो इन तीनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और पैक आपने कितना बनाना है, आप डिपेंड करता है कि आप फेस फेस के लिए बना रहे हो, आप गर्दन के लिए बना रहे हो, हाथों के लिए बना रहे हो, या पूरी बॉडी के लिए बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग इसमें चीजें ऐड कर लेना है। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छी एक स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब इसको फेस पे कैसे लगाना है, सबसे पहले अपना जो फेस है वो साफ कर लेना है। किससे करना है, बेसन में थोड़ा सा दूध लेके उससे फेस को साफ करना है। और फिर ये जो पेस्ट बनाई है हमने, ये ब्रश की सहायता से लगा सकते हो, आप अपने हाथों से लगा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं बताती हूँ कैसे इसको लगाना है। तो इस पैक को लगाने से पहले अपना फेस साफ कर लेना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। थोड़ा सा बेसन लिया और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया और एक स्मूथ पेस्ट बना के और फेस को साफ कर लिया, जैसे हम साबुन से या फेस वॉश से साफ करते हैं ना, ऐसे हमने साफ करना है। तो मैंने फेस साफ कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, एक हेयर बैंड लेना है और अपने बालों में ऐसे लगा लेना है, नहीं तो ये बालों में लग जाएगा, बाल हो जाएंगे गंदे, फिर कहोगे आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया है। अब इसको लगाना है। ये पूरे फेस पे, गर्दन पे मैंने लगा लिया है। अब इसमें पैक बच गया है तो इसको फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। अपने हाथों पे इसको अप्लाई करो, क्योंकि हाथ भी तो यार सुंदर चाहिए ना, तो इसको हाथों पे अप्लाई कर लेना। और वैसे अगर जरूरत नहीं है तो इतना ही पैक बनाओ जितना आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, और जो भी रेमेडी बनाती हूँ मैं अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, तभी तो इतने सुंदर हाथ है। अब क्या करना है, इसको सेमी ड्राई होने तक छोड़ देना है, अभी मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेमी ड्राई हो जाएगा ना, तब हाथ गीले किए पानी में, और इसकी 2 से 3 मिनट मसाज करनी है। आप के पास समय नहीं है तो 2-3 मिनट तो करनी है। अगर आपके पास समय है तो इसकी 5 से 6 मिनट मसाज कर सकते हो, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बेसन होता है
उसमें एक जो स्किन में डेड सेल्स हो जाते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है बेसन। बेसन स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, बेसन जो है ग्लोइंग का काम करता है। एलोवेरा जेल एक किस्म की एक मेडिसिन है, उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज भरपूर होती है। और जो एलोवेरा जेल है वो स्किन को एक जैसे रूखी ड्राई स्किन हो जाती है ना, उसमें नमी बनाए रखता है। सेकंड क्या है कि ग्लो का काम करता है। थर्ड क्या है कि रिंकल पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और जो दूध है वो ब्लीच का काम करेगा, प्लस ग्लोइंग का काम करेगा, प्लस स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। और ये तीनों जो चीजें मिलेंगी ना अपने आप में कंप्लीट फेशियल का ग्लो देने वाली है। और ये रेमेडी आप जरूर से ट्राई करके देखना। तो ये सेमी ड्राई हो जाता है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और मैं दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। अब ये सेमी ड्राई हो गया है और लगभग 8-9 मिनट होगी इसको लगाए हुए। अब हाथ की लेखिए और पूरे गर्दन और पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, नीचे से ऊपर। पूरी आंखों पे अब इसको सिंपल टैप वाटर से रिमूव कर देना है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अब फेस वॉश तो कर लिया है मैंने, अब क्या करना, एक सॉफ्ट टॉल लेना है और उससे रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करके इसको पानी को सुखा देना है। अब बात आती है इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, जो कि मैं ये वाला यूज करती हूँ। और इसको अप्लाई करना है, ये थोड़ा सा मैं काट लेती हूँ, इसमें से ऑयल तभी निकलेगा जब ये थोड़ा सा कट जाएगा। अब ये पूरे फेस पे लगा लेना है। आंखों के ऊपर भी और नीचे भी, और इसकी थोड़ी सी मसाज करनी है। अब ये देखो कितना बढ़िया ग्लो आया है। और विटामिन ए का जो कैप्सूल होता है वो स्किन के लिए, बालों के लिए एक रामबाण का काम करता है, वो सबको पता है। और ये रेमेडी तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। और जो हाथ जो थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है तो अपने हाथों पे इसको अप्लाई कर सकते हो, बालों पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया है पूरा प्रोसेस एक कम्प्लीट होम फेशियल का। और छोटी सी रेमेडी है, अपने किचन से ही सारी चीजें मिल जाएंगी। बस आपको विटामिन ई के कैप्सूल इकट्ठे मंगा के अपने फ्रिज में रख लेने हैं, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसे यूज कर सकते हो। और जो ये रेमेडी है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे कोई भी यूज कर सकता है।
अगर आप शाम के टाइम इस रेमेडी को अप्लाई करोगे तो इसका डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो स्किन है ना और जो ये रेमेडी है ये पूरी रात वर्क करेगी स्किन के ऊपर, और स्किन जो है वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएगी, और आप मॉर्निंग में आप देखोगे कि फेस पे इतना जबरदस्त ग्लो आया हुआ है। और अगर आपको अचानक कहीं पार्टी में या किसी के घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप इसको किसी भी टाइम भी यूज कर सकते हो। बस अगर आप कहीं जा रहे हो और दिन में अगर इसको अप्लाई कर रहे हो तो विटामिन ई का जो कैप्सूल मैंने यूज किया है वो यूज नहीं करना है। आप उसकी जगह आप कोई भी लोशन, जो आप लोशन लगाते हो, जो भी आप क्रीम लगाते हो, वो अप्लाई करनी है टोनिंग करने के बाद। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है आपको, खाली विटामिन ई का कैप्सूल रात को सोते वक्त लगाना है, दिन में बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो होप आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी, और किसी ऐसी रेमेडी को फिर लेके आऊंगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना है, खुश रहना और ये रेमेडी यूज करते रहना। और एक बात और, हफ्ते में इस रेमेडी को 3 से 4 बार यूज कर सकते हो, बाकी आपके पास समय है और बहुत ही कम समय है आपके पास, तो हफ्ते में एक बार तो इसको जरूर ट्राई करना, बाकी आप इसको 3 से 4 बार हफ्ते में यूज कर सकते हो। और तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।